सामने पहुंचने का काम ये टिप्पण करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप सूखा और गिल्ला कचरा अलग अलग कर रखने की व्यवस्था करें, और जब ये टिप्पण आपके घर के सामने आए तो आप इसमें उसको डाल दें। इसे हमारा शहर साफ सुथरा रखेगा, इसमें आपका सहयोग अति आवश्यक है। मगर संतोषजनक अब भी नहीं है, ये बात मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि आज भी संतोषजनक स्थिति नहीं है। तो आज हम एक और नया काम चालू करने जा रहे हैं कि ये टिप्पर आपके सामने खड़े हैं, ये 27 के 27 वार्डों में जाकर के हर घर में जाके आवाज लगाएंगे। और गिल्ला कचरा और सूखा कचरा, मैं विशेष तौर पे शहर निवासियों से निवेदन करता हूं कि अपने घरों में जाके बताएं कि घर में दो डस्टबिन लगाएं, एक गिल्ले कचरे का एक सूखे कचरे का। इसमें भी दो अलग अलग बने हुए हैं कि एक में गिल्ला कचरा आएगा, एक में सूखा कचरा आएगा। अगर शहरवासी इसमें सहयोग नहीं करेंगे, हर नागरिक अपने आप को जागरूक नहीं करेगा, तो शहर में सफाई होना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मेरा निवेदन है, और आज हम यहाँ इकट्ठे भी इसलिए हुए हैं ताकि शहर में हर नागरिक के पास एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि यहाँ टिप्पर सिस्टम चालू हो गया है और हर घर के आगे ये टिप्पर आएगा। और गृहणियां, हमारी माताएं बहनें अपने घर का जो कचरा है उसको आरक्षित रखें, और जब भी वो टिप्पर आए और उसमें डालने का काम करें। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, हम भी देखते रहे और बराबर ध्यान लगाते रहे, शहर गंदगी का आलम बन चुका था, बदहाल हो चुका था। इसको व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपने ये अच्छा कदम उठाया है क्या? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार देश में प्रदेश में बनी है, तब से माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छता को अभियान बना करके बच्चे बच्चे में ये भावना पैदा की कि वो अपने शहर को, समाज को, घर को साफ रखें। उसी नीति के तहत आप जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ सफाई की समस्या थी, और नगर परिषद को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लेकर के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, चाहे देर से शुरू हुआ लेकिन देर से शुरू करने का कारण ये था कि इसमें कोई कमी ना रहे। उनका पूरा तरह ट्रायल हुआ है, टेक्निकली ये पास हुए हैं, सर्विस के लिए इनका टेंडर दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की तो कमियां इसमें रहेगी, और शहर स्वच्छ सुंदर रूप में आपके सामने। धन्यवाद। हमारे साथ है चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी जी, बताइए कि 3 महीने की देरी के बाद देर से आए, दुरुस्त आए और टिप्पर यानी कि सड़कों पे आए, यानी वार्डों में जाए, पूरा यानी कि स्वच्छता को कंट्रोल, यानी कि बदहाली को कंट्रोल करेगा। बंसल जी, अब हमारे यहाँ 80 में 20 टिप्पर चलेंगे, और 20 टिप्पर से सभी वार्डों में टिप्पर जाएंगे, उससे हर वार्ड की सफाई होगी। हमें पहले ही 2 करोड़ में सड़क हुआ है।
को भी गिरत लगे रहते हैं, मवेशी मुँह मारते रहते हैं। वार्ड नंबर 4 के पार्षद अजय सैनी जी हमारे साथ हैं। आपने भी पूरा जोर लगाया शहर की सफाई हो, शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, ये पीपर आज छोड़ दिए गए हैं शहर के अंदर, पुलिस पीपर दौड़ लगाएंगे गलियों में, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तुम्हें हमारे नगर के चेयरमैन साहब का, बिहारी का, आईओ साहब का, एसपी साहब का, सभी जो हमारे नए अधिकारी गण, सबका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे वार्डों में, शहर के सभी वार्डों में विकास के मामले में तो कमी है नहीं कोई भी, सारी गलियाँ पक्की होगी, सारे काम ओके हैं। एक कमी थोड़ी बहुत सफाई की रहती थी हमें, वो भी आज जो टिप्पर दे के चेयरमैन साहब ने और सभी ने जो ये दिए हैं हमारे नगर परिषद को, हर वार्ड के वार्ड को, उससे बहुत मतलब बढ़िया महसूस आएगा और पूरी सफाई पर कंट्रोल हो जाएगा हमारा। इसके लिए दिल से हम सबका धन्यवाद करते हैं। हमने शहरवासियों को यही एक संदेश देते हैं कि टिप्परों से आप इनसे बिल्कुल सहयोग दें और अपना कूड़ा टिप्परों में ही डालें। लम्हा है, ऐतिहासिक दिन है, शहर के अंदर सफाई को लेकर एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा। हमारे साथ नगर परिषद चेयरमैन है निर्मला सैनी जी और प्रतिनिधि भी उनके साथ खड़े विनोद सैनी जी। ये कौन सा ऐतिहासिक कदम है जो ये टिप्पर जिसे बोल रहे हैं देश देकर आज नगर परिषद चालू करवाई शहर में? के साथ हरी झंडी देकर शहर के लिए रवाना करेंगे। हमारी शुभकामनाएं।